हेलो, देखो ये क्वेश्चन आया भाई, इसका आंसर बहुत जगह गलत दे रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। देखो क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज पर, और व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ जोड़ रखा है ये डिकेड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है फोर डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्सेज ऑफ 1000, 110 और 1 स्टेप्स। तो देखो डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है ना, वो सिंपल सा क्या होता है, एक ऐसा सा बॉक्स होता है, देखो ऐसा सिंपल सा बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें से ये डाइल्स लगे हुए होंगे कि यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा डाइल, ऐसे करके काफ़ी सारे डाइल लगे रहे हैं, और अपने इस क्वेश्चन में 4 डाइल दिए हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसको सर्किट में लगा देते हैं, और जो वैल्यू चाहिए अपन को रेजिस्टेंस, वो अपन इन डाइलों में सेट कर देते हैं, ये रोटेटरी स्विच होते हैं, ठीक है उसमें। अब ये तो है अपने पास डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स, जरूरी नहीं है डिकेड रेजिस्टेंस के लिए काम करता हो, डिकेड कैपेसिटर बॉक्स भी आता है, इंडक्टर भी आता है, ठीक है, मतलब पैसिव कंपोनेंट का कुछ भी आता है। तो ये ऐसा डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स दे रखा है अपन को, उसके 4 स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर रखा है किससे, रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन की स्टैंडर्ड आर्म से। अभी देखो आप क्वेश्चन रीड करते हैं अपन, ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ ऐसा होता है। अब देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज हैज़ रेशियो आर्म दे रखी, ठीक है, 1000 ओम और 100 ओम रेजिस्टेंस की, ठीक है, द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर्म कंसिस्ट ऑफ 4 डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्सेज। जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर्म है ना, वो उसके बाद 4 रेजिस्टेंस डिकेड बॉक्सेज है जिनकी वैल्यू दे रखी है 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम और 1 ओम स्टेप्स, ठीक है, इतने स्टेप्स किए, ठीक है, अभी इसका मतलब भी देखेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस दैट कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम दीज स्टेप्स आर। तो अपन को बताना है कि अगर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की जगह ये वाला रेजिस्टेंस अपन काम में लेंगे, 4 स्टेप्स, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या ऑब्टेन कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। तो ये अपन को ये स्टेप्स के बारे में समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन को देखना है रेशो आर्म दे रखा, तो मैंने लिख लिया पी और क्यू, ठीक है, आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज करते हैं ना, तो आप रेशो आर्म किसको बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, और उनका कनेक्शन आपको एक पर्टिकुलर ही याद रखना अपने हिसाब से, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर कितने दे रहे हैं, 4 टिकेट बॉक्सेस दे रखे हैं। अब देखो स्टेप दे रखे हैं, 1 ओम दे रखा था, 10 ओम दे रखा था, 100 ओम दे रखा था और 1000 ओम दे रखा था। तो 1 ओम स्टेप का मतलब होता है 1 ओम टू 10 ओम, ठीक है, और 10 ओम स्टेप का मतलब होता है 10 ओम टू 100 ओम, ठीक है, और ऐसे ही 100 ओम स्टेप का मतलब होता है 100 ओम टू 1000 ओम, और ऐसे ही 100 ओम, ठीक है, अपन को 4 तक दे रखे थे, चौथा अपना 1000 था, तो 1000 से 10000, ठीक है। अब देखो मैंने बोला ना ये कनेक्शन भी आपको याद रखने, मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूँ पी क्यू आर और एस, और पी और क्यू मेरे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड रेशो। आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड रेशो आम किसको बोलते हैं, अगर आपको यही नहीं पता होता ना उसमें, तो आप वो न्यूमेरिकल छेड़ ही नहीं पाते, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने की तो बात दूसरी की थी, ठीक है ना। तो ये रेशो आम हो गई ऊपर वाली, एस सिंपल सा रखो, एस को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अपन को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में क्या लग रहा है, डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका सिंबल ये होता है, ठीक है, और ये आर अपना अननोन रेजिस्टेंस, ये गलती से यहाँ पे बन गया था, यहाँ बनाना चाहिए था, तो ये यहाँ बनाया, इसको काट रखा है, ठीक है, आर अपना अननोन रेजिस्टेंस। अब अपन को बैलेंसिंग की कंडीशन बताओगी, वो तो सभी को बताओगी, पी इंटू एस इक्वल्स टू क्यू इन टू आर, ठीक है। अभी अपन ये नहीं देख रहे कि कैसे होती है, अपन को खाली न्यूमेरिकल करना है, ये काफ़ी बार बता भी रखे हैं, बहुत सिंपल स्टेप काम है। अब देखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू अपन इस, जब अपन मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना, तो अपन ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को कहाँ सेट करेंगे, अपन को सबको मैक्सिमम वैल्यू पर सेट करनी पड़ेगी, जैसे 1 ओम स्टेप था, ठीक है, तो अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 ओम, तो अपन को उसको सेट करनी पड़ेगी 10 ओम पे, 10 ओम था तो इसकी वैल्यू भी कहाँ मैक्सिमम पे सेट करनी पड़ेगी, कितनी, 100 ओम पे, ऐसे करके इसकी 1000 की और इसकी 10000 की, फिर अपन को इनका सबका सम करना है, क्योंकि ये सब लग रखे हैं ना, ये देखो ऐसे ऐसे मान लो ये थे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स के ये डायलर थे, अपन ने एक को सेट कर दी 10 ओम पे, ठीक है, दूसरे को सेट कर दी 100 ओम पे जो मैक्सिमम वैल्यूज है, तीसरे को सेट कर दी 1000 पे, और एक को 10000 पे, तो टोटल मिलकर रेजिस्टेंस कितना देगा, वो अपन को ये सब ऐड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। तो भैया अपनी वापस से वही मैक्सिमम वैल्यू आर के लिए पी इंटू एस इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, जो अपन ने देखी बैलेंसिंग कंडीशन, तो पी अपनी स्टैंडर्ड थी, ठीक है, 1000, और एस अब अपन को मैक्सिमम लेना है, तो अपन को इस सारी मैक्सिमम वैल्यू का सम चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको डायलर पर बताया, ठीक है, और क्यू कितना है अपनी स्टैंडर्ड आप 100, और आर मैक्सिमम कितना है वो अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन ऐड करके जब कैलकुलेट करेंगे तो आर मैक्सिमम की वैल्यू ये आएगी 00 वाली, ठीक है ना, ये देख लो आप, 1, 10, 100, 1000, 10000 और 1,00,000, ठीक है ना, ये इतनी है, ठीक है, लैख में। अब देखो फॉर मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू के लिए अपन को सब डायलर को कहाँ सेट करना है, इस इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस से हम मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ओम ही तो ले सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अब सारे डायल हैं, ठीक है, सबको इसको पहले वाले को तो 1 पे सेट कर देंगे, ठीक है, और बाकी सबको कहाँ, रोटेटरी स्विच को 0 पे, और उसको भी 0 पे, और उसको भी 0 पे, तो ऐसे करके अपनी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी, 1 ओम निकल के आएगी। देखो ऐसे होगा ये सवाल, ठीक है ना, मेन कहानी यही थी सवाल की। तो
पी इंटू एस वही पी अपना 1000 है स्टैंडर्ड सॉरी रेशो आर्म, और एस अब अपन को क्या लेना है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम, क्यू अपना वापस से रेशो आर्म 100 इंटू आर मिनिमम, तो कितनी हो गई आर मिनिमम की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये जो आंसर निकलता है ना इसका, ये वाला निकलता है फर्स्ट वाला। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में आपको ये वाला आंसर मिलेगा सी वाला। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।